किसान भाइयों देखिए, धान की नर्सरी है और बहुत अच्छी नर्सरी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि एक सार है पौधे, और पौधे में किसी भी तरह की बीमारी नहीं दिख रही है, किसी भी कीट का अटैक नहीं दिख रहा है। और किसान भाई देखिए, आज पानी भी इसमें लगाए हैं। शाम का समय है और 6 बज रहा है लगभग। देखिए ना, पानी लगाए हुए हैं और एकदम ठंडा पानी है और काफ़ी शानदार नर्सरी है। किसी भी तरह की बीमारी नहीं दिख रही है, कीट नहीं दिख रहे हैं, और हमें लगता है कि लगभग 15 से 16 या 17 दिन की नर्सरी हो चुकी होगी। और हमारे साथ किसान भाई मौजूद भी हैं, तो आज हम किसान भाई से इस नर्सरी के बारे में ही जानेंगे कि कितने दिन की इनकी नर्सरी हो गई है, कौन सी वैरायटी इन्होंने नर्सरी के रूप में डाला है, और रोपाई कब कराएंगे, क्या क्या चीज़ें अपनी खेती में नया करते हैं, सारी चीज़ें इनसे बात करेंगे। तो सर जी थोड़ा सा इधर आइएगा, तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंद्र सिंह, ग्राम उपस्थित जिला गोरखपुर थाना सागना है। तो सर जी, आपके धान की नर्सरी है कितने दिन की हो गई है? 25 दिन की हो गई सर। 25 दिन की हो गई, हम तो इसमें वीडियो में कह दिए 16-17 दिन की होगी, तो 25 दिन की हो गई है। तो देखा जाए तो यह रोपाई के लिए तैयार है एक तरह से, है ना? तो वैरायटी कौन सी है जिसकी आपने नर्सरी डाली है? महिंद्रा का 30-30 है। अच्छा, यह महिंद्रा का 30-30 है और सांभा है। यह सांभा है और उधर जो है वो भी सांभा है और बासमती है, और वो लास्ट वाला जो है बासमती है। तो बासमती का जो पौधा है छोटा है, मतलब इसके डालने के बाद उसको आपने डाला लगा? उसको एक हफ्ता पीछे डाला। तो रोपाई का कार्यक्रम कब से स्टार्ट करेंगे? एक हफ्ते में चालू हो जाएगा। अच्छा, एक हफ्ते में रोपाई का कार्यक्रम चालू कर देंगे। तो बीज का जब आप नर्सरी डालते हैं, तो जमाव के लिए आप क्या करते हैं, मतलब बीज कैसे डालते हैं? बीज एक दिन भिगो देते हैं, कल भर डाल देते हैं। अच्छा, रात भर इसको भिगोते हैं और कल भर डाल देते हैं। तो 24 घंटा का समय लेते हैं भिगोने के लिए? नहीं, 12 घंटा भिगोते हैं, उसके बाद जो है उबार करके इसको डाल देते हैं। तो नर्सरी से अपने संतुष्ट हैं? जी सर। हाँ, देखने में लग रहा है कि नर्सरी आपकी बहुत अच्छी है, किसी भी तरह का रोग नहीं है इसमें, कोई कीट नहीं है। तो नर्सरी जब आप डालते हैं, तो खेत की जब तैयारी करते हैं, तो खेत में क्या क्या डालते हैं उस समय? खेत में कुछ नहीं डाले, मतलब कुछ नहीं, मतलब कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं यूज किए हैं? तब भी इतना अच्छा नर्सरी कैसे है? हमारे यहाँ फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, गोबर की खाद वगैरह? गोबर की खाद भी डलवाए थे। अच्छा, गोबर की खाद आप डाले हैं। तो जब आपकी 10 से 15 दिन की नर्सरी हो गई, तो उस समय आपने फर्टिलाइजर के रूप में क्या डाला? कुछ नहीं, फर्टिलाइजर भी नहीं डाला। तो क्या आपकी नर्सरी बिना फर्टिलाइजर के ऐसी है? जी, जी। अच्छा, और पानी जो चलाने का कार्यक्रम है कितने दिन पे रखते हैं? अब वही जब नमी इसमें सूखने लगती है तो पानी चला देते हैं। देख रहे हैं पानी आप शाम को चलाए हैं, तो शाम को चलाने से क्या लाभ होता है? जैसे थोड़ा टेम्परेचर हाई है और मान लीजिए पानी गर्म नहीं होता, रात भर ठंडा रहेगा। अच्छा, नर्सरी आपकी रात भर ठंडा रहेगी, तो इसका लाभ भी आपको मिलता है। तो मान लीजिए इतना पानी भरे हुए हैं, तो कल दिन में भी पानी रहेगा? नहीं सर, रात में ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, दिन में पानी आपको नहीं दिखेगा। तो फंगिसाइड वगैरह के स्प्रे के बारे में बात करें, तो कुछ किया है इसमें कीटनाशक वगैरह? बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं किए हैं। तो अब देखा जाए तो इनकी नर्सरी एकदम बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार है, और इनका कहना है कि हम कोई फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं किए हैं, ना तो कोई कीटनाशक डाले हैं। तो सर जी, ना तो आप फर्टिलाइजर यूज किए हैं, ना कीटनाशक यूज किए हैं, फंगिसाइड यूज किए हैं, फिर भी आपकी नर्सरी इतनी अच्छी कैसे है? भाई इसके बारे में ज्यादा क्या बताएं, प्रकृति के अलावा तो सब फेल है। मतलब इसमें सब्जी वगैरह की खेती तो नहीं करते हैं? नहीं, सब्जी नहीं किए थे इसमें, इसमें बल्कि चेरी था। तो जब आप धान की रोपाई कराएंगे, तो धान की खेत की तैयारी के समय फर्टिलाइजर में क्या डालेंगे? उसमें भी नहीं कुछ डालते हैं, लास्ट में जब पौधा रो हो जाता है, लग जाता है, तो यूरिया और हल्का फुल्का जिंक सल्फर मार देते हैं। DAP वगैरह का यूज नहीं करते हैं। और इधर आपका बासमती है, तो बासमती में कौन सी बासमती? वही 120 दिन वाला है। तो वैरायटी का कुछ नाम? वैरायटी का नाम नहीं पता सर, भैया मंगाए थे लखनऊ से। तो यह आपका कौन सी वैरायटी बताए हैं? सांभा। यह सांभा है, तो अच्छा नर्सरी है। और बारिश भी हमको लगता है कि हमारे एरिया में कल से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मानसून आ चुका है। तो किसान भाई रोपाई का कार्यक्रम भी स्टार्ट करा देंगे, और उसी रोपाई के लिए आपकी जो नर्सरी है लगभग तैयार है। बारिश का जब पानी पाएगा तो और अच्छी तरह से बढ़ने लगेगा, तो बहुत अच्छी नर्सरी है। तो किसान भाई, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।